पीने के पानी की एक बोतल के लिए आप ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे खर्च करेंगे? 20, 50, 100 या ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए। लेकिन क्या आप ऐसा पानी पियेंगे जो हजारों रुपए में बिकता हो? आप कहेंगे पानी तो पानी है, फिर इतना महंगा पानी क्यों खरीदना। लेकिन पानी की इस महंगाई के पीछे कुछ रीजंस हैं। आइए जानते हैं। दरअसल जो बोतल बंद पानी हम पीते हैं वो प्रोसेस्ड होता है, कई तरह के ट्रीटमेंट के बाद वो हम तक पहुंचता है। लेकिन हजारों रुपए की कीमत वाले जिस पानी की हम बात कर रहे हैं वो सीधा नेचुरल सोर्स जैसे वॉल्केनिक रॉक, ग्लेशियर, कोहरे की बूंदों, यहाँ तक कि सीधा बादल से भी लाया जाता है। यही कारण है कि इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिलिका जैसी खूबियां बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में होती हैं। अब जो पानी सीधा बादल से हम तक लाया जाएगा उसके दाम तो आसमान छुएंगे ही। अब सवाल आता है कि क्या इस पानी में कोई स्वाद भी होता है? तो जवाब है हाँ, और इसका कारोबार भी बढ़ रहा है। वाइन टेस्टिंग के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन वाटर टेस्टिंग, ये कॉन्सेप्ट नया है। इसमें वाटर टेस्टर्स तरह तरह के पानी के मिनरल कंटेंट, फ्लेवर और माउथ फील के अनुसार पानी को इवैल्यूएट करते हैं। ऐसे ही एक सर्टिफाइड वाटर कंसल्टेंट हैं मिलिंद पटेल, जिनका ब्रिटेन में वाटर स्टोर है। वो मानते हैं कि दुनिया भर में अलग अलग स्वाद का पानी है और उनकी शॉप में नल से लेकर ग्लेशियर तक का पानी उपलब्ध है, जिसकी कीमत 25,000 रुपए प्रति बोतल तक है। उदाहरण के लिए साउथ अमेरिका के ग्लेशियर से लाए गए पानी APSU ओरिजिन वाटर की 750 ml बोतल वो लगभग 12,000 रुपए में बेचते हैं। इस तरह पानी की वैरायटी से संबंधित वाटर टेस्टिंग कॉन्टेस्ट भी होते हैं। क्या है ये, आइए जानते हैं। फाइन वाटर सोसाइटी की सालाना बैठक में इंटरनेशनल वाटर टेस्टिंग कॉम्पिटिशन करवाया जाता है। इसमें देश दुनिया के रिमोट एरिया से पानी का व्यापार करने वाले हिस्सा लेते हैं। वाटर टेस्टिंग की बढ़ती लोकप्रियता का ही असर है कि स्पेन और अमेरिका जैसे देशों के रेस्टोरों में खाने के साथ वाइन या अन्य ड्रिंक्स की जगह तरह तरह के पानी का मेन्यू है। लेकिन कई लोग इस बढ़ते ट्रेंड को सही नहीं मानते। यूनाइटेड नेशंस की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 250 करोड़ लोग पीने के साफ पानी से वंचित हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि जहां इतने लोग बेसिक सुविधा के लिए तरस रहे हों, ऐसे में हजारों रुपए पानी के सिर्फ एक बोतल पर खर्च करना गलत है। क्रिटिक्स इसे सिर्फ पैसे का दिखावा ही नहीं बल्कि एनवायरमेंट के लिए भी खराब बताते हैं। अगर अमीरों का ये पानी प्लास्टिक की बोतल में स्टोर किया जाता है तो इस्तेमाल के बाद फेंका गया ये प्लास्टिक ग्राउंड वाटर और मिट्टी को भी प्रदूषित करता है, और अगर ये पानी कांच की बोतल में स्टोर किया जाता है तो इसे हजारों किलोमीटर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करने में कार्बन एमिशन बढ़ता है। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटलिस्ट्स का मानना है कि प्योर पानी कम पैसे में भी मिलता है, उसके लिए प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए।